हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप जो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको करना चाहिए, एक्चुअली में आपको कौन सी बातों को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, तब यहाँ पर अधिक प्रॉफिट ले सकते हैं। लगाना पैसा ना लगाना सिर्फ आपके ऊपर है। जो भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जानकारी है वो सिर्फ मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। मैं किसी को सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश कीजिएगा, ठीक है। जो सच्चाई है वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। जो कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI कंट्रोल फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ के बारे में, ठीक है। इसके आखिर किस तरीके से ये प्लान है वो काम करता है और आखिर इसमें कितना हम पैसा यहाँ पर निवेश करेंगे तो आखिर हमें कितना यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं, इस मोबाइल की जो स्क्रीन है आपको यहाँ पर बराबर में शो हो रही है। आप यहाँ पर जो अमाउंट है करंट बैलेंस वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 4,37,644.10, ठीक है। अब यहाँ पर कितना मैंने यहाँ पर पैसे को निवेश किया था और यहाँ पर कितना यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हो चुका है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। मैंने 1 सितंबर को यहाँ पर पैसे को निवेश किया था 3.5 लाख रुपए, ठीक है। इसी के साथ में जो कि इसकी फीस भी कटी थी। जो म्यूचुअल फंड में कोई भी अगर आपको ना बताए तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जो भी म्यूचुअल फंड में आप पैसे को निवेश करते हैं तो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है वो आपसे फीस पहले ही ले लेता है, जो आपके पैसे को मैनेज करने की, ठीक है। वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपका जो पैसा है वो कहाँ कहाँ निवेश करेगा, ठीक है। क्योंकि जो फंड मैनेजर होता है वो इस चीज में एक्सपर्ट होता है कि आखिर कौन सी कंपनी के शेयर हैं वो ऊपर जाएंगे और कौन सी, यानी कि जैसे कि सोना है, ठीक है, तो किस समय सोने ऊपर उठेगा, ठीक है। तो वो ऐसी चीजों में यहाँ पर पैसे को निवेश करते हैं। अब ये है जैसे कि SBI कंट्रोल रेगुलर प्लान ग्रोथ, ठीक है। तो इसके नाम से ही पता चलता है, रेगुलर प्लान ग्रोथ यानी कि आपको डेली इसमें ग्रोथ होगी, ठीक है। अब इसमें मैंने 3.5 लाख रुपए यहाँ पर निवेश किए थे। इसी के साथ में मुझे इसमें जो टोटल बैलेंस था वो मुझे मिला था 3 लाख करीब, यहाँ पर 45,000 के आसपास मुझे यहाँ पर मिला था, ठीक है। 45,000 कुछ रुपए यहाँ पर, 900 कुछ रुपए, लगभग 46,000 रुपए मुझे मिले थे। तो यहाँ पर जो 4,000 रुपए थे वो मेरे यहाँ पर निवेश में कट गए थे। फिर मैंने यहाँ पर बैंक मैनेजर से ही जाकर पूछा, मैंने कि ये पैसे कटे हैं और इतने पैसे इसमें कम दिखा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि इसकी जो फीस होती है वो फंड मैनेजर काट लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने इसमें पहली बार इसमें निवेश किया था तो मुझे ये डर था कि यार पता नहीं ये कैसा होगा। तो उसके बाद में मैंने इसकी छानबीन की इन प्लान्स के बारे में, तो आखिर इनका क्या क्या मुझे यहाँ पर जानकारी मिली वो मैं चलिए आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि इस प्लान में ये होता है कि म्यूचुअल फंड में जो भी आप FD करते हैं उससे आपको यहाँ पर बढ़कर ही यानी कि रिफंड मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आखिर मुझे यहाँ पर कितना प्रॉफिट अभी इस समय यहाँ पर हो चुका है, यानी कि 87,000 रुपए का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है। तो यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं, 1 सितंबर तो लगभग 8 महीने या फिर 9 महीने यहाँ पर हो चुके हैं, तो लगभग यहाँ पर 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मुझे यहाँ पर लगभग प्रॉफिट इस समय चल रहा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं, अगर मैंने इतना पैसा यहाँ पर निवेश किया है तो इतना प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है। इसी के साथ में मैं आपको सीधे साफ साफ ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश कर रहे हैं, अगर आप सही म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश नहीं कर रहे हैं तो वहां पर आपका लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसकी जो सारी डिटेल्स है, कहाँ कहाँ पैसे को फंड मैनेजर निवेश करता है और आखिर इसकी NAV क्या है, ये सारी चीजें जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ क्रोम ब्राउजर, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ SBI कंट्रोल रेगुलर म्यूचुअल फंड प्लान, ठीक है, जो कि है इसका नाम फुल है SBI कंट्रोल फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ, ठीक है। अब मैं चलिए इस पर सिंपली क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मुझे यह लग रहा था वही मेरा तो बहुत लॉस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं इसे जूम कर देता हूँ, तो आप इसका नाम भी देख सकते हैं, NAV है। NAV का मतलब होता है नेट एसेस वैल्यू, ठीक है। ये सारी चीजें निर्भर करती है, जैसे कि जो भी म्यूचुअल फंड है जब वो स्टार्ट होता है उसके अंदर कुछ पैसे ऐड किए जाते हैं और उन्हीं पैसों से यूनिट बना दी जाती है 10 रुपए यूनिट के हिसाब से, ठीक है। जैसे कि 1,000 की कितनी यूनिट होगी 10 रुपए के हिसाब से आपको समझ सकते हैं, पर वो यूनिट है वो एकदम स्थायी हो जाती है, उनके अंदर यूनिट नहीं बढ़ा जा सकती है बाद में, ठीक है। तो उन्हीं यूनिट को हम एक नेट एसेस वैल्यू समझ सकते हैं, एक यानी कि एक यूनिट की इतनी नेट एसेस वैल्यू है, यानी कि 343.4
40 पैसे जो कि इसकी वैल्यू है एक यूनिट की, ठीक है। तो यह एक इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब मैंने यहाँ पर यूनिट खरीदी थी तो वो थी 282 रुपए की पर यूनिट, अब यहाँ पर हो सकती है 343 रुपए की एक यूनिट, ठीक है। इसकी रेटिंग है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वेरी गुड परफॉर्मेंस, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक एड सा आ गया है तो मैं यहाँ पर इसे थोड़ा क्या करूँगा, मैं इसे यहाँ पर एक तो इसके अंदर एड्स आ रहे हैं तो मैं यहाँ पर इसे हटा देता हूँ। एड्स जूम करके देख सकते हैं जो इसकी परफॉर्मेंस है वो कितनी अच्छी रही है, यानी कि इसे 5 रेटिंग्स मिली हुई है। रिक्स है यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ में जो पैसा है हम इसमें ऐड करते हैं वो पैसा हमारा यानी कि इन्वेस्ट कहाँ कहाँ होता है, निवेश फंड मैनेजर कहाँ कहाँ करता है वो चलिए हम जान लेते हैं। तो अभी आप यहां पर देख सकते हैं जैसे कि गोल्ड है, स्टॉक है, स्टॉक और शेयर एक ही बात हो जाती है। अगर आपसे कोई भी बोलता है स्टॉक या शेयर तो एक ही चीज होती है, किसी भी कंपनी के शेयर, ठीक है, तो आप समझ गए। उसके बाद में म्यूचुअल फंड है और सर्च जो कि अपने स्क्रीन में है, ठीक है, यानी कि स्कीम चलती है उनमें पैसे ये फंड मैनेजर है वो निवेश करता है। गोल्ड है, गोल्ड का तो आप जानते हैं कि जो पैसा है यानी कि जो भी भाव है गोल्ड का वो कभी भी नहीं गिरेगा, हमेशा ऊपर की ही तरफ रहेगा, महंगाई बढ़ेगी ही, ठीक है। और जब गोल्ड महंगा होगा तो आपके इसमें पैसे भी बढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे कि अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिर इसने रिटर्न कितना तक यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर दिखा रहे हैं 48.88 लगभग यहाँ पर इन्होंने 49% तक का इन्होंने रिटर्न दिया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं, मैं चलिए आपको यहाँ पर सीधे बारीकी से यहाँ पर एक ग्राफ दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफ नीचे की तरफ आया है, तो यहाँ पर इसकी 35 थी जो कि NAV, ठीक है, अब वो घट के कितनी रह गई थी यहाँ पर 27, ठीक है। उसके बाद में NAV है वो यहाँ पर ऊपर को जाने की, ये ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ा और यहाँ पर NAV शुरू हो गई यानी कि हाई हो गई। अब आपने देखा कि NAV यहाँ पर कितनी है, 343 रुपए है, ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू। अब यहाँ पर आप खुद भी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप SIP शुरू करना चाहते हैं, SIP का मतलब होता है अगर आप हर मंथ कमाते हैं और आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट करके वहाँ पर जमा करना चाहते हैं तो आप एक बड़ी अमाउंट बना सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा मैं इस वीडियो में। अगर आप म्यूचुअल फंड में जानकारी रखना चाहते हैं या फिर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह है जैसे कि मैं यहाँ पर 1 टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ और कैलेंडर यानी कि कैलकुलेटर पे सिंपली क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर पैसे कर देता हूँ सीधे सीधे। अगर हम 1 लाख रुपए इसमें जमा करते हैं तो आखिर हमें कितना रुपए मिलेगा एक साल में, ठीक है। तो 10,000 हैं और मैं यहाँ पर लाख कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं 4/4/2023, ठीक है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं 4/4/2024, ठीक है, एक साल हो गई। तो इसका जो रिटर्न है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप इसमें 1 लाख रुपए निवेश करेंगे तो जो आपका प्रॉफिट है वो यहाँ पर प्रॉफिट और जो आपके पैसे की वैल्यू है वो यहाँ पर हो जाती है 150,917.88 रुपए। तो कहने का मतलब है 50,000 का यहाँ पर प्रॉफिट ये दिखा रहा है इस समय, 50.1 होती है, काफी अच्छा भी यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहा है। इसी के साथ में आप इसमें SIP भी शुरू कर सकते हैं। SIP के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा और आप इसमें पैसे को निवेश करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ मैं आपको बता दूंगा इस तरीके से निवेश होता है, इस तरीके से SIP शुरू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप SIP के बारे में भी सीख सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेन बात है कि आखिर हमारा पैसा सुरक्षित है कि नहीं है, सबसे मेन बात ये आती है। तो यहाँ पर मैं चलिए आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर एक वीक के लिए यहाँ पर पैसे को निवेश करते हैं तो आपको 2.52% का यहाँ पर रिटर्न मिलेगा इसी के साथ में 1 मंथ के लिए। तो सीधे सीधे मैं आपको बता दूं आपका टाइम बिना खराब करते हुए अगर आप इसमें 1 साल के लिए पैसे को निवेश कर रहे हैं तभी आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अगर आप 1 साल से कम के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपके लिए इसमें अच्छा नहीं है। इसी के साथ में अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई हम इसमें 1 साल के लिए पैसे को निवेश कर देते हैं, बीच में हमें पैसे की जरूरत पड़ जाती है, क्या वो पैसे हमें नहीं मिलेगा वक्त पर, तो ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। आपको पैसा वहां पर मिल जाएगा पर आपका 15% कटेगा। इसी के साथ में 15% का मतलब है 1 लाख पर 15,000 रुपए, ठीक है, जो कि टैक्स वगैरह लगते हैं अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं तब, ठीक है। इसी के साथ में अगर आपका 1 साल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आप पैसे को निकालते हैं तो आपको कुछ यहाँ पर परसेंट देना होता है और बाकी की पूरी अमाउंट आप ले सकते हैं। तो
तो इससे यह है, आप समझ सकते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड में और एफडी में आखिर कितना अंतर है। ठीक है, एफडी आपको कितना देगी, 7% 8%। कहने का मतलब है 1 लाख पर अगर 8% देती है एफडी, तो 1 लाख पर आपको 8,000 रुपए मिलेंगे। और आप इसमें समझ सकते हैं कि आखिर आपको कितना यहाँ पर प्रॉफिट होगा। और इसमें आपको साफ साफ देखने को भी मिल गया है रिटर्न्स, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया। तो इसमें अगर आप 1 साल के लिए पैसे को निवेश कर रहे हैं तभी आप इसमें करें। पैसा अगर आपको बीच में जरूरत पड़ जाती है तो आप पैसा इसमें निकाल सकते हैं बेहिचक। तो आपको इसमें करना क्या होता है, आपको एक फॉर्म जाकर बैंक में देना होता है और लिख कर देना होता है कि हमें पैसे की नीड है और हमें पैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, वो आपको पैसा का वहाँ पर यानी कि आपके अकाउंट के लिए यानी कि आपके अकाउंट में लेने के लिए वहाँ पर रिक्वेस्ट डाल देंगे और जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में 3 से 4 दिन में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में आप उस पैसे को निकाल ही सकते हैं जब आपके अकाउंट में आ जाता है। तो इस तरीके से इसका जो कुछ प्रोसेस है जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ना इस वीडियो में।